हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज विद टिक्स में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है आपके जीएसटी। तो आज हम आपको जीएसटी एनेबल कैसे किया जाए, जीएसटी को कैसे लगाया जाए, जीएसटी कैसे इसमें एक्टिवेट की जाए, वो सब आपको बताने वाले। तो सबसे पहले जीएसटी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं और आगे प्रोसेस समझते हैं कैसे कैसे आपको वर्क करना है। तो सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी कर लेते हैं अपनी। क्रिएट कंपनी में अपनी कंपनी का नाम फिल करने वाले हैं हम। जैसे हमने अपनी कंपनी का नाम फिल कर दिया, रक्षा इन्फोटेक, या सॉरी रक्षा ट्रेडर्स के नाम से बना देते हैं। स्टेट जो इंडिया अपनी कंट्री फिल करना है और आपको स्टेट डालना है। स्टेट डालना कंपलसरी है, स्टेट मत छोड़ना, क्योंकि आपके जो जीएसटी होती है वो स्टेट वाइज ही लगती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसको फिलअप करने के बाद हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले F11 F3 का बटन प्रेस करना है। ठीक है, F11 F3 जो आपका स्टेट एंड टैक्सेशन है, इसमें आपको ये जीएसटी यहां पर यस करनी है। यस करेंगे, इसके बाद सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी यस करेंगे। यहां पर हमारी कंपनी कौन से स्टेट के, उत्तर प्रदेश की है, रेगुलर है, और उसके बाद यहां पर अपना जीएसटी नंबर बनाने वाले हैं। जीएसटी नंबर टोटल मिला के आपका 15 डिजिट का होता है। ओके, 15 डिजिट का आपका जीएसटी नंबर होगा, जिसमें शुरू के जो डिजिट होंगी वो होगी आपकी दो स्टेट कोड। जैसे उत्तर प्रदेश की कंपनी तो उत्तर प्रदेश का है 09, दिल्ली है तो 07। इस तरीके से शुरू के दो होते हैं, वो आपके स्टेट कोड होते हैं। अगर आप कोई भी जीएसटी बिल देखते हो तो उसमें शुरू में दो नंबर जरूर लिखे होंगे जो उस कंपनी जो उसके स्टेट को दर्शाते हैं। उसके बाद इस कंपनी के फर्म का आपको जो पैन नंबर होगा वो 10 डिजिट, यानी 10 डिजिट का आपका पैन नंबर होगा। वो 10 डिजिट हम यहाँ पर टाइप करने वाले। जैसे पैन कार्ड का जो फॉर्मेट होता है वो होता है 5, तो उसमें कोई अल्फा होंगे, 4 न्यूमेरिक होंगे, 1 अल्फा होगा। इस तरीके से 10 डिजिट का आपका पैन नंबर होगा। तो 10 नंबर आपके पैन जीएसटी के, सॉरी पैन नंबर के हो गए, 2 आपका स्टेट कोड हो गया, तो 10 और 2 12 हो गया। इसके बाद इस जो पैन कार्ड आपका, जो ये वाला पैन कार्ड नंबर मैंने आपको बनाया, जनरेट किया है कंपनी का, इस पैन कार्ड पे इस कंपनी के कितने बिजनेस चल रहे हैं। अगर एक चल रहा है तो एक, दो चल रहा है, यानी इस पैन कार्ड पे कितने बिजनेस रजिस्टर्ड है, एक रजिस्टर्ड है, दो रजिस्टर्ड है, तीन रजिस्टर्ड है, उतने डिजिट यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे हमने कहा 1 रजिस्टर्ड है। इसके बाद कभी भी आप जीएसटी में देखोगे यहाँ पर ये जीएसटी होगा, जेड ही मिलेगा जीएसटी के अंदर। ये जेड को बोलते हैं डिफॉल्ट कोड, ये आपका डिफॉल्ट कोड होगा। इसके बाद लास्ट की जो टैक्स चेक डिजिट है वो आपकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अल्फाबेट भी, न्यूमेरिक भी। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, शुरू के जो दो होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं, जैसे 09, फिर उसके बाद 5 अल्फा 4 न्यूमेरिक 1 अल्फा, ये आपका पैन नंबर हो गया। इस पैन नंबर में कितने बिजनेस रजिस्टर्ड हैं, 1 2 3, वो आगे न्यूमेरिक हो रही क्या हो गए। उसके बाद आपका जेड डिफॉल्ट कोड हो गया। लास्ट का चेक डिजिट कुछ भी आपके अल्फाबेट या न्यूमेरिक कुछ भी हो सकती है। मंथली वाइज आपका जीएसटी फिल किया जाएगा। इसके बाद ई वे बिल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिल। जो भी कंपनी बाय ट्रांसपोर्ट 50,000 से ऊपर का माल, यहाँ पे लिखा रखा 50,000 से ऊपर का माल बाय ट्रांसपोर्ट भेजती है, तो उसको एक ऑनलाइन ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है, करवाना पड़ता है, जिसमें आपके ट्रांसपोर्ट की डिटेल लिखी जाती है, उसको हम ई वे बिल बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आपको सीधा फिल जो यस करना है वो करना है अनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन। आप इसको एक्टिवेट करने के लिए इसको हम यस कर देंगे तो आपका जीएसटी हो जाएगा ये अब आपका एक्टिवेट। ओके, जीएसटी एक्टिवेट करने के बाद आपको वापस एस्केप करना है और हम चलने वाले हैं अकाउंटिंग वाउचर में। सबसे पहले F9 का बटन प्रेस करेंगे परचेस करने के लिए। हम कुछ गुड्स परचेस किए उसकी एंट्री कर रहे हैं। इनवॉइस नंबर, यहाँ पर इनवॉइस नंबर हमने डाल दिया कि हमारा इनवॉइस नंबर 001 है। एंटर। पार्टी नेम, किस पार्टी से हमने परचेस किया है। ऑल्ट के साथ सी का बटन दबाएंगे डायरेक्टली जीएसटी, सॉरी डायरेक्टली लेजर को क्रिएट करने का है कि हम किस पार्टी से परचेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने पार्टी नेम लिखा कि हमारी पार्टी है रुद्रा ट्रेडर्स, क्योंकि हम इसे परचेस कर रहे हैं, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जिससे भी आप परचेस करते हैं, जिसको भी कंपनी पैसा देगी वो हमारा हमारा क्रेडिटर ही होगा। जिससे हम पैसा रिसीव कर रहे हैं या जिसको हम सेल कर रहे हैं, हमारा 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 जो होगा वो डेटर ही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हुआ। बिल बाय बिल आपको यस करना है और यहाँ पर भी कंप्लीट डिटेल लिखेंगे इस पार्टी की, कि इस पार्टी का पैन नंबर क्या है, 5 अल्फा 4 न्यूमेरिक 1 अल्फा, ये इसका पैन नंबर है। फिर पार्टी का जीएसटी नंबर क्या है, हमने की उत्तर प्रदेश की है तो 09। फिर उसके बाद वही पैन नंबर 5 अल्फा 4 न्यूमेरिक 1 अल्फा, सॉरी
एक बिजनेस चल रहा है जेड डिफॉल्ट कोड, बाद में कोई भी एंटिटी कोड हमने डाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका डिटेल फिल होगी लेजर बनेगा रुद्रा का। परचेज लेजर यहाँ पर आप बना सकते हैं इंट्रा परचेज या लोकल परचेज। लोकल मतलब क्योंकि हम अभी जो परचेज कर रहे हैं जिस पार्टी से, वो भी उत्तर प्रदेश की है और हम भी उत्तर प्रदेश के ही हैं, इसलिए उसको बोलते हैं लोकल। अगर आउट ऑफ स्टेट होती है, यानी हम उत्तर प्रदेश की हमारी कंपनी, हम दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, कहीं से परचेज कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम इंटर स्टेट परचेज। तो हम यहाँ बनाते हैं लोकल परचेज और इसको अंडर में रखेंगे परचेज अकाउंट में। बाकी यहां पर आपको गुड्स कर लेंगे कि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, सर्विसेज नहीं, एंटर। अब यहां ऑल्ट सी करेंगे और हम यहां पर अपने आइटम बनाएंगे जो स्टॉक है जो हम परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर लिखा कि हमने डेल का 21 इंचेस मॉनिटर परचेज किया, मॉनिटर परचेज किया। ऑल्ट सी जिसको अंडर में हमने रखा है कंप्यूटर पार्ट्स के अंदर। यहां पर आप, क्योंकि मैं कंप्यूटर पार्ट्स पे पूरे पे जीएसटी सेम लगाने वाला हूं, तो हमने यहां पर जीएसटी डिटेल्स को करा यस अंडर के अंदर ही। इसके बाद F12 का बटन प्रेस करना और यहां पर आप HSN कोड जो आपका वो एक्टिवेट करेंगे, जिसे HSN SEC डिटेल्स लिखा होगा। F12 का बटन प्रेस करने के बाद यहां पर आपका डिस्क्रिप्शन क्या चीज है, कंप्यूटर पार्ट्स है, वो लिख सकते हैं। HSN कोड 6 डिजिट का कोड होता है HSN का। HSN कोड होता क्या है, HSN कोड हर आइटम को अपने पहचान देने के लिए कोड से उसे बताया गया है। जैसे मोबाइल लेंगे, मोबाइल के कोड अलग, HSN अलग होगा, शूज का HSN अलग होगा, हमारे कपड़ों का HSN कोड अलग होगा, जिससे उन कोड से उनके पहचान होती है कि हाँ ये कपड़ों का है ये उसका, नहीं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, पहचानना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उनको HSN यानी कोड्स में कन्वर्ट किया गया है। इसके बाद हम यहां पर क्या है, टैक्सेबल लेंगे क्योंकि हमारे टैक्स लगने वाला है। कितना परसेंट, 28% या 18% जो भी आपका स्लैब है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं फिलहाल मैं 28 डाल के दिखाता हूं आपको। इसके बाद है सेल। अगर आपकी कंपनी सेल्स भी यूज कर रही है, यानी सेल्स भी लगता है आपकी कंपनी, यानी ये सेल्स होता क्या है, सेल्स को बोलते हैं हिंदी में उप टैक्स, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है। अलग अलग सेंट्रल या राज्य स्टेट अपने अकॉर्डिंग सेल्स वसूल सकती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे कृषि कल्याण या एजुकेशन या फिर कुछ अलग अलग स्टेट में कुछ और भी नाम से सेस वसूला गया, सेस लिया गया है। तो सेस क्या होता है, टैक्स के ऊपर एक छोटा सा अमाउंट में टैक्स लगना। जैसे इसका 28% है तो इस पर 1% या 0.5% अलग से सेस के रूप में लिया जा सकता है। तो अभी सेस को नहीं, फिलहाल जीएसटी के लगा के दिखाता हूं आपको पहले। तो हमने इसमें कंप्यूटर में जीएसटी एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद ऑल्ट सी करेंगे या यूनिट डालेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसको मेजरमेंट क्या नंबर्स है, और यहां पर आपको NOS यानी नंबर्स ले लेना है। अगर आप सिंगल सिंगल करना चाहते हैं तो इसको यस करके सिंगल सिंगल सबकी जीएसटी फिल कर सकते हैं हर आइटम की। नहीं तो जैसे मैंने कंप्यूटर पार्ट्स बना दिया, या जो भी कंप्यूटर पार्ट्स होंगे सब पे 28% ऑटोमेटिक लगता चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम वीडियो पे लगातार बने रहे और देखते रहे, तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं कि हमने कितने मॉनिटर परचेस किए हैं। एक मॉनिटर आपने कितने रुपए का परचेस किया है, ऑल्ट सी। दूसरा हमने लिखा कि हमने डेल के कीबोर्ड परचेज किया। अब इसको मैं कंप्यूटर के पार्ट्स में अंडर में रख लूंगा। जब यहां मैं कंप्यूटर पार्ट्स यूज कर लूंगा तो क्या होगा, इस पर ऑटोमेटिक जीएसटी एक्टिवेट यानी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि हमने इसमें कंप्यूटर पार्ट्स में 28% लगा चुके हैं पहले। अब आपको NOS करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहां पर क्वांटिटी डालनी है और यहां पर प्राइस डालना है कि आपने कितने रुपए का परचेस किया। फॉर एग्जाम्पल जो भी आप आइटम परचेस कर रहे हैं ऑल्ट सी करते रहे और यहां पर आइटम क्रिएट कर सकते हैं। अब यहां पर हम बनाएंगे जीएसटी की डिटेल्स अपनी टोटल के बाद, जब टोटल हो जाए आपको यहाँ कि आपको कितना आइटम परचेस करना है। इसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे, सॉरी टोटल के बाद यहाँ पर जीएसटी अपना बनाएंगे ऑल सी से। सबसे पहले बनाएगा सेंट्रल का CGST, ठीक है, CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टैक्स कोई भी हो आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में जाएगा। यहां पर आपको जीएसटी लेना है, सेंट्रल है तो यहाँ पर सेंट्रल टैक्स, यहाँ पर जीएसटी टैक्स फिल नहीं करना क्योंकि हमने पहले ही अपने स्टॉक में यानी अपने इन्वेंट्री के अंदर फिल कर चुके हैं। ये देखिए पहला लग चुका है CGST, ऑल्ट सी। दूसरा बनाएंगे SGST, सेम ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर जीएसटी लेना है आपको। इसके बाद इसके अंदर S4 स्टेट लेना है कि क्या होगा, ये हाफ जो लोकल है तो हाफ सेंट्रल और हाफ स्टेट का होगा। अब आपको दिखाते हैं, इसे एंटर करने के बाद आप ऑल्ट ए ऑल्ट F1 करिए, आपको यहां पर टैक्स एनालिसिस हो जाएगा ऑल्ट ए ऑल्ट F1 से। तो आप ये देखेंगे, ये दिखाई दे रहा है टोटल मिलाकर 28% है, जिसमें 14 सेंट्रल का 40 स्टेट का, ऐसे सेम यहां पर 14 सेंट्रल और 40 स्टेट। तो इस तरीके से आपको जीएसटी
इस पर एक्टिवेट अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर ईवे बिल नंबर आ जाएगा, इनवॉइस नंबर क्या है ये है, उसके बाद आपका जीएसटी डिटेल्स ये है, ये सब हो जाए, डिस्पैच एड्रेस कहाँ पर डिस्पैच किया जा रहा है, उनकी डिटेल, पिन कोड विन कोड ये लिखा जाएगा, बाय ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के द्वारा जा रहा है तो कितने किलोमीटर है, डिस्टेंस क्या है, ये सब आपको यहाँ पर, ट्रांसपोर्टर का नेम क्या है, वो सब व्हीकल नंबर क्या है, ये सब जीएसटी में सर ईवे बिल के अंदर फिल करनी होती है, जो ऑनलाइन होती है हमें यहाँ पर इसको ओनली फिल करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने न्यू रेफरेंस नया बिल बना है, ये आपकी जीएसटी लग चुकी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेम इसी तरीके से हम जब सेल करेंगे सेल पर भी जीएसटी वसूलेंगे, क्योंकि हम अब जीएसटी अब पहले हमने परचेस पे दी है, अब जीएसटी हम पर सेल पे लेने वाले हैं। एफिलिएट से सेल्स करेंगे, यहाँ पर पार्टी बनाएंगे, जैसे हमने बनाए मिस्टर ट्रेडर्स के नाम से है, पार्टी है जिसको हम सेल कर रहे हैं, तो ये हो गया सन्ड्री डेटर, और यहां पर इनका भी पैन नंबर जीएसटी नंबर फिल कर देंगे, 5 अल्फा 4 न्यूमेरिक 1 अल्फा। अब इनका स्टेट है यूपी का, तो स्टेट कोड हो गया, फिर इनका पैन नंबर, फिर 1 जेड लास्ट की डिजिट कुछ भी लगा, क्योंकि चेक डिजिट होती है वो, ये कंट्रोल है। अब यहाँ ऑल सी से हम लोकल सेल कर रहे थे, इसको लोकल सेल का एक लेजर फिर क्रिएट कर देंगे, लोकल सेल्स के नाम से, सॉरी सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट में जाएगा, चाहे लोकल सेल हो चाहे आपका इंटरस्टेट सेल हो। अभी आइटम है, हमने कीबोर्ड के 90 पीस सेल कर दिए हैं 250 से, और मॉनिटर के भी हमसे 9 पीस सेल कर दिए हैं, जिसकी कीमत हमने लगाई थी 3500। सेम इस पर भी सी जी एस टी एंड एस जी एस टी। ओके फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आप ऑल्ट ए ऑल्ट F1 करके यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, आपकी जीएसटी यहाँ पर भी शो करेगा, 14 14 28 14 14 28 जीएसटी लग चुकी है। पूरे टोटल आइटम पे 15,120 रुपये हमने जीएसटी के दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेम वही ईवे बिल यहाँ पर भी जनरेट हो जाएगा। ओके, तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, तो आपने देख लिया, हमने परचेज पर भी जीएसटी लगा दिया, सेल पर भी जीएसटी लगा दिया। अब हमें टोटल यानी गवर्नमेंट को टैक्स कितना पेड करना है उसे निकालना है, कि हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स पेड करना है। तो पहले पहले चेक कर लेते हैं कितना पेड करना है, उसके लिए क्या करेंगे, आप बैलेंस शीट में चले जाइए, यह है बैलेंस शीट, यहाँ पर ऑल्ट F1 कर दीजिए। तो ऑल्ट F1 करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस कितना है, 3920 रुपये। 3920 रुपये कैसे बनाए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जीएसटी पेड करने का तरीका क्या होता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, यानी हमने जो परचेज किया था, और मैं आपको दिखा देता हूं, हमने जो परचेज किया था तो टोटल मिलाकर हमने जीएसटी कितने दिए यहां पर आप देख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो ऑल्ट ए ऑल्ट F1 कर देंगे, यहां आपको दिखाई देगा 11,200 हमने जीएसटी दी थी परचेज करते समय, ये हमारी इनपुट की है। जो हमारा आउटपुट हुआ है, आउटपुट में हमने जीएसटी कितनी मिली है, हमें टोटल जीएसटी मिली है 15,120, यानी कि आउटपुट यानी इस 15,000 में से जो हमने परचेज करते समय जीएसटी दी थी उसको जो माइनस करके बचा वो हमें जीएसटी यानी कि टैक्स यानी गवर्नमेंट को पेड करना, टैक्स डिपार्टमेंट में पेड करना पड़ेगा। कैसे पेड करेंगे, आपको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ना आपको कैलकुलेशन करनी है, सिंपली आप पेमेंट में जाइए। पेमेंट में जाने के बाद ऑल्ट एस का बटन प्रेस करिए, ऑल्ट एस का बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे, सॉरी ऑल्ट एस करना है, ऑल्ट एस, तो यहां पर आ जाएगा स्टेट की पेमेंट आपकी आ जाएगी। जीएसटी लगाया था हमने, जीएसटी कब से कब तक, 1 अप्रैल से जब तक भी आपको पेड करना है, जैसे अगले महीने का, तो फिलहाल मैं 31 मार्च डालेंगे क्योंकि हमारा एजुकेशन मोड है, तो मैंने 31 मार्च डाल दिया, रेगुलर है हम। अब यहां पे लेंगे, जैसे हमने सीजीएसटी किया यहां पर अमाउंट आ गई कि इतनी आपको सीजीएसटी पेड करना है, हमने लिख दिया 960 हम पेड कर रहे हैं। फिर डेबिट किया किसको, एसजीएसटी भी पेड करेंगे साथ में, एसजीएसटी भी सेम हो गया 196 सॉरी 60। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये माइनस हो चुका है, आपने जिस बैंक से दिया यहाँ पर बैंक का नाम आ जाएगा। फिलहाल मैं अभी यहाँ कैश ही दिखा देता हूँ आपको समझाने के लिए, तो यानी कि हमने जीएसटी पेड कर दी। एक बार फिर बैलेंस शीट में जाके देखते हैं कि क्लियर हुई है या नहीं हुई, ये है बैलेंस शीट, ऑल्ट F1 करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे अब आपको जीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्स जीएसटी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, क्यों हम वो जीएसटी पेड कर चुके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज विद ट्रिक्स में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है आपकी जीएसटी। तो आज मैं आपको जीएसटी एनेबल कैसे किया जाए, जीएसटी को कैसे लगाया जाए, जीएसटी कैसे इसमें एक्टिवेट किया जाए, वो सब आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जीएसटी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं और आगे प्रोसेस समझते हैं कैसे कैसे आपको वर्क करना है। तो सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी कर लेते हैं, अपने क्रिएट कंपनी में अपनी कंपनी का नाम फिल करने वाले हम। जैसे हमने अपनी कंपनी का नाम फिल कर दिया, रक्षा इन्फोटेक, या सॉरी रक्षा ट्रेडर्स के नाम से बना देते हैं। स्टेट जो इंडिया अपनी कंट्री फिल करना है और आपको स्टेट डालना है। स्टेट डालना कंपलसरी है, स्टेट मत छोड़ना, क्योंकि आपकी जो जीएसटी होती है वो स्टेट वाइज ही लगती है। ओके फ्रेंड्स, अब इसको फिलअप करने के बाद हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले F11 F3 का बटन प्रेस करना है। ठीक है, F11 F3 जो आपका स्टेट एंड टैक्सेशन है, इसमें आपको जीएसटी यहाँ पर यस करनी है। यस करेंगे, इसके बाद सेट ऑर्डर जीएसटी डिटेल्स को भी यस करेंगे। यहाँ पर हमारी कंपनी कौन से स्टेट की, उत्तर प्रदेश की है, रेगुलर है। उसके बाद यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर बनाने वाले। जीएसटी नंबर टोटल मिला के आपका 15 डिजिट का होता है। ओके, 15 डिजिट का आपका जीएसटी नंबर होगा, जिसमें शुरू के जो डिजिट होंगी वो होगी आपकी दो स्टेट कोड। जैसे उत्तर प्रदेश की कंपनी तो उत्तर प्रदेश का है 09, दिल्ली है तो 07। इस तरीके से शुरू के दो होते हैं वो आपके स्टेट कोड होते हैं। अगर आप कोई भी जीएसटी बिल देखते हैं तो उसमें शुरू में दो नंबर जरूर लेके होंगे जो उस कंपनी जो उसके स्टेट को दर्शाते हैं। उसके बाद इस कंपनी के फर्म का आपको जो पैन नंबर होगा वो 10 डिजिट यानी 10 डिजिट का आपका पैन नंबर होगा। वो 10 डिजिट हम यहाँ पर टाइप करने वाले। जैसे पैन कार्ड का जो फॉर्मेट होता है वो होता है 5, तो उसमें कोई अल्फा होंगे, 4 न्यूमेरिक होंगे, 1 अल्फा होगा। इस तरीके से 10 डिजिट का आपका पैन नंबर होगा। तो 10 नंबर आपके पैन जीएसटी का, सॉरी पैन नंबर के हो गए, 2 आपका स्टेट कवर हो गया, तो 10 और 2 12 हो गया। इसके बाद इस जो पैन कार्ड आपका, जो ये वाला पैन कार्ड नंबर मैंने आपको बनाया, जनरेट किया है कंपनी का, इस पैन कार्ड पे इस कंपनी के कितने बिजनेस चल रहे हैं। अगर 1 चल रहा है तो 1, 2 चल रहा है, यानी इस पैन कार्ड पे कितने बिजनेस रजिस्टर्ड है, 1 रजिस्टर्ड है, 2 रजिस्टर्ड है, 3 रजिस्टर्ड है, उतने डिजिट यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे हमने कहा 1 रजिस्टर्ड है। इसके बाद कभी भी आप जीएसटी में देखोगे यहाँ पर जीएसटी होगा, जेडी मिलेगा जीएसटी के अंदर। इस जेड को बोलते हैं डिफॉल्ट कोड, ये आपका डिफॉल्ट कोड होगा। इसके बाद लास्ट की जो चेक डिजिट है वो आपकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अल्फाबेट भी न्यूमेरिक भी। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, शुरू के जो दो होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं, जैसे 09, फिर उसके बाद 5 अल्फा, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फा, ये आपका पैन नंबर हो गया। इस पैन नंबर में कितने बिजनेस रजिस्टर्ड है, 1, 2, 3, वो आगे न्यूमेरिक वाले क्या हो गए। उसके बाद आपका जेड डिफॉल्ट कोड हो गया। लास्ट का चेक डिजिट कुछ भी आपकी अल्फाबेट या न्यूमेरिक कुछ भी हो सकती है। मंथली वाइज आपका जीएसटी फिल किया जाएगा। इसके बाद ई वे बिल क्या, हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने लिख रहे हैं बाय ट्रांसपोर्ट डेटा 250 से रहेगा 14 14 28 14 14 28। जीएसटी लग चुकी है पूरे टोटल आइटम पे 15,120 रुपए हमने जीएसटी के। ठीक है फ्रेंड्स, सेम वही ईवे भी यहाँ पर भी जनरेट हो जाएगा। ओके, तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी जरूर कर देना।
हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज विद ट्रिक्स में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है आपके जीएसटी। तो आज हम आपको जीएसटी अनेबल कैसे किया जाए, जीएसटी को कैसे लगाया जाए, जीएसटी कैसे इसमें एक्टिवेट की जाए, वो सब आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जीएसटी अब हम आपको बताएंगे जीएसटी कैसे पेड की जाएगी, कि हमें जो जीएसटी हमें जो हमें टैक्स है वो कितना पेड करना है। सो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हमको कितना पेड करना है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट पे जाने वाले हैं और यहाँ पर आप ऑल्ट एफ वन करिए। ऑल्ट एफ वन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, आपका दिखाया जा रहा है कि आपको जितनी जीएसटी है टैक्स पेड करना है। ठीक है, ये टैक्स आया कैसे है अब आपको समझा देते हैं। तो वापस अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। जीएसटी का जो पेड करने वाला टैक्स वो होता क्या है, आउटपुट माइनस इनपुट, यानी आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कैसे, यानी कि हमने जो सेल किया था, सेल करते समय जो हमने जीएसटी ली है, जब सेल करेंगे तो जैसे होता है जीएसटी हमें मिलेगी, हमने जो ली है उसमें से जो हमने परचेस करते हुए जीएसटी दी थी उसको माइनस करने के बाद जो भी टैक्स पड़ता है वो जीएसटी को हमें टैक्स पेड करना होता है। कैसे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। देखो, ये हमने परचेस किया था, ऑल्ट ए ऑल्ट एफ वन करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि हमने कितना टैक्स पेड किया था। तो टोटल मिला के हमने 11,200 टैक्स पेड किया है। जब हमने सेल किया है, सेल करते समय 15,120, तो 15,120 में से 11,200 माइनस करने के बाद जो टैक्स बचा वो आपको पेड करना होगा जीएसटी यानी टैक्स डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को। अब उसको हम पेड कैसे करेंगे मैं आपको वो बता देता हूं। तो आपको सिंपली क्या करना है, F5 का बटन दबाना है, पेमेंट में जाना है। पेमेंट में जाने के बाद सिंपल ऑल्ट के साथ S का बटन दबाएंगे, ऑल्ट के साथ S फॉर शिमला S का बटन दबा देंगे। यहाँ पर जीएसटी लेंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे कब से कब तक आपको जीएसटी पेड करनी है। हमने कहा 1 अप्रैल से, जो कंपनी होगा तो उसमें मंथली वाइज होता है। अभी हम यहाँ पर क्योंकि एजुकेशन मोड है तो 31/3 डाल ले। रेगुलर डीलर थे हम, सीजीएसटी यहाँ पर अमाउंट दिखा देगा कितना आपको जीएसटी पेड करना है। 1960 में जीएसटी सीजीएसटी पेड करना है डेबिट करेंगे द्वारा। यहाँ पर एसजीएसटी 1960 ही हमें एसजीएसटी पेड करनी है, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ अपना बैंक अकाउंट ले लेंगे कि बैंक से पेड करेंगे। फिलहाल मैं भी कैश लेके आपको दिखा देता हूँ। टोटल 3920 हम जीएसटी पेड कर रहे हैं। तो अब आप दोबारा जब बैलेंस शीट चेक करेंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि हमने जीएसटी पेड कर दिया। तो आप देख सकते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस नील हो चुका है क्योंकि हमने वो टैक्स पेड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको क्लियर हो गया जीएसटी कैसे फिल लगाना है, कैसे फिल करना है, कैसे एक्टिवेट करना है और कैसे जीएसटी पेड करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।